सैफ अली खान की फिल्म भूत पुलिस का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच मंडे को सैफ की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने इस फिल्म को लेकर दर्शकों की बेसब्री और बढ़ा दी। दरअसल सैफ अली खान का भूत पुलिस का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया, जिसे करीना कपूर खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। भूत पुलिस के इस नए पोस्टर में सैफ अली खान का बहुत ही इंटेंस लुक नजर आ रहा है। पोस्टर में आप देखेंगे कि सैफ ने हाथ में एक स्क्रैप्चर पकड़ा हुआ है, जो उनके किरदार को बहुत ही खूंखार दिखा रहा है। हालांकि अगर उनकी आंखों पर अगर गौर करेंगे, नजर फरमाएंगे, तो उनकी आंखों में शैतानी नजर आ रही है। सैफ ने लेदर जैकेट पहनी हुई है, जैकेट के नीचे एक लॉन्ग ब्लैक शर्ट डाली है, साथ ही गले में अजीब सा दिखने वाला चैन है। सैफ अली खान के फर्स्ट लुक का पोस्टर शेयर करते हुए करीना कपूर खान ने कैप्शन में लिखा, पैरानॉर्मल से ना डरें और विभूति के साथ सेफ महसूस करें। करीना ने इस कैप्शन को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए सुरक्षित की अंग्रेजी में स्पेलिंग सेफ की जगह सैफ लिखी है। इस पोस्टर के रिलीज होने के बाद सैफ के फैंस इस पर तरह तरह की अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सैफ के फैंस को उनका ये नया अवतार काफी पसंद आया। आपको बता दें कि ये एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसकी शूटिंग पिछले साल हिमाचल प्रदेश के इलाकों में हुई थी। इस फिल्म में सैफ अली खान के अलावा अर्जुन कपूर, यामी गौतम, जैकलिन फर्नांडिस भी नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को लेकर पूरी टीम काफी एक्साइटेड है, और सबसे ज्यादा अगर कोई एक्साइटेड है तो वो है अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर की ये पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म है। अपने एक्साइटमेंट को जाहिर करते हुए स्पॉट बॉय को दिए इंटरव्यू में अर्जुन कपूर ने कहा था कि मैं भूत पुलिस को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। कॉमेडी करने के लिए को एक्टर एक दूसरे की भूमिका निभाते हैं, और ये एक ऐसा जॉनर है जो एक्टर के रूप में एक नया है मेरे लिए। मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ कि मैंने इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, और मुझे लगता है कि मैं लोगों को हंसाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करूंगा। वेल, कितनी बड़ी ये फिल्म होती है और क्या सच में अर्जुन कपूर हमें हंसा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वेल, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।